नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस बानी असर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये पहाड़ी शैली से संबंधित यानी पहाड़ी चित्रकला से संबंधित टॉप क्वेश्चनों का सेट होगा। इसमें टॉप कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग 70+ क्वेश्चन होने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर से कोरिलेट हैं और आपकी परीक्षा में जो छप सकते हैं उन्हें कराने का प्रयास किया जा रहा है। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे और आ चुके होंगे। कल की डेट में हमने पहाड़ी चित्रकला शैलियों को सुपर फास्ट रिवीजन में देखा था, आज उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा गया? नाम दिया गया मुगल शैली, राजस्थानी शैली, जापानी शैली और या कांगड़ा शैली नाम दिया गया है। आपको बताना है रंगों का काव्य किस शैली को कहा जाता है। रंगों के काव्य की अगर बात होती है मित्रों, तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि पहाड़ी शैली के अंतर्गत एक कला शैली आती है जिसका नाम कांगड़ा होता है और कांगड़ा को आप रंगों के काव्य के नाम से जानते हैं। तो डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर है, पूछ रहा है कि कांगड़ा शैली को प्रमुख चित्रकार कौन थे? नाम दिया गया संसार चंद्र हैं, विठल नाथ हैं, मूलचंद हैं या फिर परखू हैं। आपको बताना है कांगड़ा शैली जो रंगों का काव्य है उसका बढ़िया वाला कलाकार कौन सा है? तो आप जानते हैं परखू, फुत्तू ये सब यहीं के हैं। तो सही जवाब जो है डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर पाओ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की? हेनरी मोर ने, वाल्ट स्कॉट ने, ओ हेनरी ने या फिर मूरक्राफ्ट ने? कांगड़ा चित्रकला के जो संरक्षण की बात होती है तो उसकी जो चर्चा है वो मूरक्राफ्ट महोदय ने बहुत अच्छे से की है। तो सही जवाब आपको किसके साथ देना होगा? डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपके स्क्रीन पे है, पूछ रहा है किस चित्र शैली के चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है? रंग का प्रयोग किस चित्र शैली के कलाकारों ने जो है प्रतीकात्मक रूप में किया? दक्षिणी शैली के, कांगड़ा शैली के, कुलेर शैली के या फिर बसोहली शैली के? तो उस शैली का नाम होता है बसोहली शैली। बसोहली शैली के जो कलाकार हैं वो रंगों को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास किए हैं। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा, मोलाराम किस शैली का कलाकार था? नाम दिया गया राजस्थानी, बसोहली, पहाड़ी और मंडी। मोलाराम की अगर बात होती है तो आप जानते हैं कि मोलाराम पहाड़ी शैली का बढ़िया कलाकार है। तो सही जवाब पहाड़ी शैली लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहे हैं मित्रों कि चित्रकार नयनसुख और मानुको किस परंपरागत शैली से संबंधित हैं? मानुको और नयनसुख की बात हो रही है, गुलेर शैली, चंबा शैली, बसोली शैली और पहाड़ी शैली दिया गया है। तो आप जानते हैं नयनसुख का संबंध कहाँ से दिखाई देता है? नयनसुख जो है पहले तो गुलेर शैली के आएंगे। अगर गुलेर शैली नहीं आंसर बनता है तब आप अगला आंसर लगाते हैं, लेकिन सही जब आप गुलेर शैली पहले लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है, चित्रकार मानुको ने किस ग्रंथ को चित्रित किया? नाम दिया गया ऋषिक प्रिया, रामायण, गीत गोविंद या फिर महाभारत। मानुको की बात हो रही है, कौन सा ग्रंथ लिखते हैं यानी चित्रित करते हैं, सॉरी चित्रित लिखते नहीं है, चित्रित करते हैं। तो सही जवाब गीत गोविंद बनता है, बी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा जा रहा है अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? नाम दिया गया राजस्थानी शैली में हुआ, कंपनी शैली में हुआ, पहाड़ी शैली में हुआ या फिर अभ्रंश शैली में हुआ है? अंडाकार रूप में जो व्यक्ति चित्रण है मित्रों, व्यक्ति चित्रण कहाँ पे हुआ है? तो सही जवाब पहाड़ी शैली में हुआ है। सही जवाब जो है बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछ रहा है नहा जो है नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? नारी जो है अंकन का बढ़िया वाला चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ, मुगल शैली में हुआ, राजस्थानी शैली में हुआ या फिर जैन शैली में हुआ? तो आप जानते हैं कि जो नारियों का चित्रण है बढ़िया वाला सुंदर वाला वो पहाड़ी शैली में हुआ है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज़ द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा, पूछा जा रहा है कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं? नाम दिया गया 2 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार, 7 प्रकार। आप जानते हैं जो कांगड़ा शैली है उसमें 3 प्रकार की, स्वकीया, प्रक्रिया और कौन सी नारी थी, तीसरी नारी का नाम जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपके स्क्रीन पे है, पहाड़ी चित्रकला का निर्माण कब प्रारंभ होता है? नाम दिया गया 20वीं शताब्दी में हुआ, 21वीं शताब्दी में हुआ, 18वीं शताब्दी में हुआ या फिर 11वीं शताब्दी में हुआ? आपको बताना है पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्र का जो निर्माण है मित्रों कब होता है? तो आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी यानी स्टार्टिंग की 18वीं और अंतिम की 19वीं। तो सही जवाब किसके साथ बनता है? बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर। स्वक्रिया, प्रक्रिया और सामान्य नारियों के बारे में बताया गया है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पे है, पूछ रहा है कि पहाड़ी सिलसिला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? राजस्थानी पहाड़ी की है, कश्मीर पहाड़ी की है, उत्तर प्रदेश पहाड़ी की है, फिर पंजाब पहाड़ी की है। जो पहाड़ी सिलसिला होती है आप जानते हैं कि पंजाब की सुरम्य घाटियों में पनपी, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, पंजाब की पहाड़ी, इस तरह राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है मित्रों, पूछा जा रहा है प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला है? नाम दिया गया पहाड़ी शैली में, आधुनिक शैली में, राजस्थानी शैली में या फिर मुगल शैली में। जो प्रकृति चित्रण है मित्रों वहाँ पर जो महत्व दिखाई देता है वो पहाड़ी शैली में दिखाई देता है, तो फर्स्ट के साथ आंसर बनता है राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा जा रहा है आपसे कि पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया गया है? नाम दिया गया सफेद रंग, गहरे रंग, हल्के रंग या फिर काले रंग। पहाड़ी चित्र हैं उसमें जो रंग प्रयोग किए गए हैं आप जानते हैं कि पहाड़ी में गहरे रंग यानी चटकीले रंग का प्रयोग हुआ है, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर। लगाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है गुलेर शैली के लगभग चित्र प्राप्त होते हैं जो रामायण पे आधारित है? नाम दिया गया 15 चित्र, 14 चित्र, 13 चित्र या फिर 20 चित्र। आप जानते हैं गुलेर शैली का जो चित्र प्राप्त हुआ है उनकी संख्या 14 है जो रामायण पे आधारित है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर। लगाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मोलाराम कौन था? नाम दिया गया नेपाली चित्रकार है, नाम दिया गया मुगल चित्रकार है, नाम दिया गया राजपूत चित्रकार है, नाम दिया गया पहाड़ी चित्रकार है। मोलाराम की अगर बात होती है मित्रों तो सही बात पहाड़ी चित्रकार के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। मोलाराम यहाँ का बढ़िया वाला चित्र है इसलिए बार बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 17 की बात होती है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिकरे के साथ महिला की शैली का चित्र है? नाम दिया गया जयपुर शैली का है, बसोली शैली का है, चंबा शैली का है, फिर गुलेर शैली का है। सिकरे के साथ जो महिला खड़ी हुई है वो गुलेर शैली में बहुत बढ़िया दर्शाई गई है, तो सही जवाब गुलेर शैली लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र की शैली में बने? नाम दिया गया पहाड़ी शैली, मुगल शैली, अभ्रंश शैली और राजस्थानी शैली। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विवादित है, कृष्णलीला का चित्र सबसे ज़्यादा कहीं राजस्थानी शैली आंसर बनता है, कभी पहाड़ी शैली बनता है। आज आप पहाड़ी शैली सॉल्व कर रहे हैं तो पहाड़ी शैली आंसर लगाएंगे, कल जब आप राजस्थानी शैली सॉल्व करेंगे तो राजस्थानी शैली आंसर लगाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन विवादित है, इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आगे बात करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों की गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय बने? नाम दिया गया राजा दिलीप सिंह के समय बने, कृष्णमाल के समय जो है बने, राजा संसार चंद्र के समय बने या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताएं जो गुलेर शैली है इसमें रामायण पर आधारित जो चित्र बने हैं वो किस राजा के समय ज़्यादा बने? तो राजा दिलीप सिंह के समय बने हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ, तो 20 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है मोलाराम थे मूर्तिकार थे, गीतकार थे, चित्रकार थे या फिर संगीतकार थे? मोलाराम की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब चित्रकार के रूप में बनता है, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? नाम दिया गया राजा संसार चंद ने की, राजा दिलीप सिंह ने की, राजा हरिश्चंद ने की या फिर इनमें से कोई नहीं। गुलेर राज्य की अगर बात होती है तो सही जवाब हरिश्चंद बनता है, बी इज द राइट आंसर बनता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कांगड़ा चित्रकला किस राजा के समय विकसित हुई? नाम दिया गया गोवर्धन चंद के समय, हरिचंद के समय, राजा संसार चंद के समय या फिर सावन सिंह के समय। आप जानते हैं कांगड़ा चित्रकला जो होती है मित्रों वो विकसित होती है संसार चंद के समय, तो सही जवाब संसार चंद लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महाराजा संसार चंद किस शैली के चित्रकला के महान संरक्षक थे? नाम दिया गया कांगड़ा शैली के, बसोली शैली के, गढ़वाल शैली के या फिर गुलेर शैली के। संसार चंद की अगर बात होती है तो आप जानते हैं महान संरक्षक किस शैली के हैं, तो सही जवाब कांगड़ा शैली बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है, ए के साथ सही जवाब लगा लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने? नाम दिया गया मुगल शैली में है, कंपनी शैली में है, पहाड़ी शैली में है, फिर राजस्थानी शैली में है। संसार चंद्र के किस शैली के दिखाई देते हैं? तो आप जानते हैं संसार चंद्र जो है संसार चंद्र के चित्र हैं वो पहाड़ी शैली में आते हैं, सही जवाब बी के साथ बनता है, पहाड़ी शैली इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा शैली किस चित्रकला की शैली है? नाम दिया गया मुगल चित्रकला की है, नाम दिया गया राजस्थानी चित्रकला की है, नाम दिया गया दक्षिणी चित्रकला की है, नाम दिया गया पहाड़ी चित्रकला की है। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? कांगड़ा की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं कि कांगड़ा कौन सी आती है? पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है, तो सही जवाब पहाड़ी चित्रकला बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपके स्क्रीन पे है, कांगड़ा चित्रकला पे किस शैली का प्रभाव है? नाम दिया गया कश्मीरी शैली है, जैन शैली है, मुगल शैली है या फिर राजस्थानी शैली है? कांगड़ा चित्रकला पे कौन सी शैली हावी रही है? हावी रहने वाली शैली जो है वो मुगल शैली रही है, तो सही जवाब बी के साथ बनाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, पूछा जा रहा है कांगड़ा शैली के चित्र की विषय वस्तु क्या रही? नाम दिया गया शिव पार्वती रहा, सीताराम रहा, मीरा कृष्ण रहा या फिर राधा कृष्ण रहा। आप जानते हैं कांगड़ा चित्र शैली की जो विषय वस्तु है मित्रों वो क्या दिखाई देती है? राधा कृष्ण दिखाई देती है, तो सही जवाब डी के साथ बनाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? नाम दिया गया राजस्थानी चित्रकला है, गढ़वाली चित्रकला है, मुगल चित्रकला है या फिर पहाड़ी चित्रकला है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम, कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम दिखाई देता है मित्रों वो पहाड़ी चित्रकला दिखाई देता है, तो सही जवाब डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय है? नाम दिया गया 1760 से 1776 ईस्वी है, 1751 से 1779 ईस्वी है, 1786 से 1805 ईस्वी है या फिर 1790 से 1820 ईस्वी है? कांगड़ा शैली
का जो उत्कर्ष काल माना जाता है मित्रों, वो माना जाता है 1786 से 1805। तो सही जवाब बी के साथ 20 द राइट आंसर्स। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कांगड़ा शैली का निम्नलिखित में से प्रमुख चित्रकार कौन सा था। नाम दिया गया श्यामलाल है, रामलाल है, पन्नालाल है या फिर कुशनलाल है। आप जानते हैं कांगड़ा शैली का बढ़िया वाला चित्रकार कौन, तो सही जवाब कुशनलाल बनता है। डी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या है। कृष्णलीला है, नायक नायिका है, राजमाला है या फिर उपयुक्त सभी है। आप जानते हैं कांगड़ा शैली में जो चित्र है उसका जो विषय रखा है वो रंगमाला भी है, कृष्णलीला भी है, नायक नायिका भी है, इसलिए सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा। पूछा जा रहा है कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। नाम दिया गया महाभारत नहीं है, पंचतत्व नहीं है, रामायण नहीं है या फिर रसिक प्रिया नहीं है। कांगड़ा चित्रकला का जो विषय नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो आप जानते मित्रों पंचतत्व नहीं है। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बसोहली शैली के चित्र गीत गोविंद के कलाकार कौन है। गीत गोविंद के कलाकार कौन है। नाम दिया गया देवीदास है, मानकू है, मनोहर है या फिर निष्कु नहीं। गीत गोविंद की अगर बात होती है तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, मानकू के साथ आंसर बनाओ। सी इज द राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बसोहली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है। नाम दिया गया दिल्ली संग्रहालय, पंजाब संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय या फिर राजस्थान संग्रहालय। बसोहली शैली के जो चित्र हैं कौन से संग्रहालय में रखे हैं, तो सही जवाब पंजाब संग्रहालय बनता है। सी इज द राइट आंसर होता है। सही जवाब पंजाब संग्रहालय के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है बसोहली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है। नाम दिया गया पंजाब राज्य, गढ़वाल राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य या फिर हरियाणा राज्य। बसोहली क्षेत्र की अगर बात होती है तो बसोहली जो आता है वो जम्मू कश्मीर के साथ आता है। सही जवाब जो है बी के साथ बनता है, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपके स्क्रीन पे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं। नाम दिया गया बूंदी शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या फिर बसोहली शैली। गीत गोविंद को जो चित्र दिखाई देते हैं मूल रूप से कहाँ दिखाई देते हैं, तो बसोहली शैली में दिखाई देते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछ रहा है लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है। नाम दिया गया बसोहली शैली आधारित है, कोटा शैली आधारित है, किशनगढ़ शैली आधारित है या फिर मुगल शैली आधारित है। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है, तो लोक कला पे जो आधारित शैली है मित्रों बसोहली शैली है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी, रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ। नाम दिया गया गढ़वाल शैली में हुआ, बसोहली शैली में हुआ, गुलेर शैली में हुआ या फिर कांगड़ा शैली में हुआ। रसमंजरी का अंकन किस शैली में दिखाई देता है, तो रसमंजरी जो है मित्रों वो गढ़वाल शैली में दिखाई देता है। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है रसमंजरी के लेखक है। नाम दिया गया भानुदत्त हैं, शूद्रक हैं, कालिदास हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। रसमंजरी की अगर बात होती है तो रसमंजरी के जो लेखक हैं उनका नाम भानुदत्त है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गीत गोविंद के रचनाकार हैं। नाम दिया गया मानकू हैं, भानुदत्त हैं, जयदेव हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं उनका नाम जयदेव होता है। सही जवाब जो है बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। 41 नंबर क्वेश्चन सबसे कह रहा है कि बसोहली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है। नाम दिया गया मुगल लघु चित्रकला, पहाड़ी लघु चित्रकला, दक्षिणी लघु चित्रकला या फिर राजस्थानी लघु चित्रकला। बसोहली शैली की बात होती है तो किस उप लघु शैली से जो है संबंधित है, तो बसोहली जो आती है ये पहाड़ी लघु चित्रकला के अंतर्गत आती है। तो सही जवाब जो है बी के साथ बन जाता है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है। नाम दिया गया जेसी फ्रेंच है, एम एफ हुसैन है, पर्सी ब्राउन है या फिर मुल्कराज आनंद है। हिमालयन आर्ट की अगर बात होती है मित्रों, तो सही जवाब जेसी फ्रेंच के साथ बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है। नाम दिया गया लॉरेंस विलियम है, डब्ल्यू जी आर्चर है, जेसी फ्रेंच है या फिर आनंद गोडेस कुमार स्वामी। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का जो क्रम रहा है वो जेसी फ्रेंच महोदय का रहा है। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर पाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुलेर, नूरपुर और सुजानपुर के शैली के केंद्र है। नाम दिया गया बसोली शैली के केंद्र है, कांगड़ा शैली के केंद्र है, गढ़वाल शैली के केंद्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। गुलेर, नूरपुर और सुजानपुर की अगर बात होती है मित्रों, तो आप जानते हैं कि कांगड़ा शैली के बढ़िया केंद्र हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अल्लाह बकस मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं। नाम दिया गया सिख शैली से हैं, जैन शैली से हैं, जो है मुगल शैली से हैं फिर ईरानी शैली से हैं। अल्लाह बकस की बात हो, मल्लाराम की बात हो, ये सब बढ़िया वाले चित्र हैं। बढ़िया वाले चित्र कहाँ के हैं, तो सिख शैली के हैं। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाना है। इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। चंबा में है, शिमला में है, जम्मू में है फिर बीकानेर में। आप जानते हैं डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है। सही जवाब जम्मू बनता है। बी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपसे पूछ रहा है मित्रों कि गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन है। नाम दिया गया बसावन है, यशव है,
है, मंसूर है या फिर रामनाथ तथा हरदास। आपको बताना है गढ़वाल शैली, गढ़वाल शैली आप जानते हैं कि रामनाथ हरदास ने जो है स्टैब्लिश की। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है। मौलाराम रहते थे, नाम दिया गया कुल्लू में है, नूरपुर में है, कांगड़ा में है, फिर गढ़वाल में। मौलाराम कहाँ रहते थे? मौलाराम आप जानते हैं कि गढ़वाल वाले बिल्डिंग में रहते हैं। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आप जानते हैं, 70 क्वेश्चन का सेट है, 49 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। पहाड़ी शैली का सर्वोत्तम शैली कौन सी है? नाम दिया गया बसोली शैली है, गढ़वाल शैली है, चंबा शैली है, कांगड़ा शैली है। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी दिखाई देती है? तो पहाड़ी शैली की जो बढ़िया वाली शैली है वो कांगड़ा शैली है। सही जवाब डी के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 50 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हीर राझा सोनी माहिवाल आदि पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? नाम दिया गया कुल्लू शैली में है, मंडी शैली में है, कांगड़ा शैली में है, फिर चंबा शैली में। हीर राझा सोनी माहिवाल आदि जो पंजाबी लोक कलाएं हैं वो कहाँ दिखाई देती हैं? सही जवाब कांगड़ा दिखाई देती है। सही जवाब बी के साथ बनाओ, इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम था, नाम दिया गया कुल्ल है, कुल्ट है, या फिर कुल्ट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो आंसर्स में केवल और केवल एक ही मात्रे के अंतर हैं, लेकिन कुल्ट कहा जाता है कुल्लू शैली को, याद रखना कुल्ट कुल्ट कुल्ट। सही जवाब बी के साथ बनाओ, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? नाम दिया गया उषी गांगुली ने लिखी, एम एस रंधावा ने लिखी, डब्ल्यू जी आर ने लिखी, फिर राकेश स्वामी ने लिखी। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव की अगर बात होती है मित्रों, बहुत अच्छी रचना होती है एम एस रंधावा साहब की। तो जवाब एम एस रंधावा लगाओ। कारखंडला वाला की क्या है? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है किसी? एम एस रंधावा की, एम एस रंधावा की, ठीक है, एम एस रंधावा की। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव की बात हो, ये भी एम एस रंधावा आपको लगाना होगा, एम एस रंधावा, एम एस रंधावा। कांगड़ा वैली पेंटिंग हो, एम एस रंधावा की रचना होती है, एम एस रंधावा की रचना होती है। उसके साथ आता है कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी, या फिर बसोली पेंटिंग। ये सभी पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, एमएस रंधावा की 1954 वाले जो है ये सब रचनाएं हैं 1954 के आसपास की, ठीक है। ऐसे और किसी की बात कर लें, डब्ल्यू जी आर्चर, डब्ल्यू जी आर्चर की पुस्तक का नाम है इंडियन पेंटिंग इज द पंजाब हिल्स, इंडियन पेंटिंग इज द पंजाब हिल्स जो रचना है डब्ल्यू जी आर्चर साहब की। अगला क्वेश्चन 53 नंबर पे आ जाओ, पूछा जा रहा है चित्रकार नैनसुख संबंधित है, नाम दिया गया पहाड़ी विद्यालय से, जैन विद्यालय से, राजस्थानी विद्यालय से, या फिर मुगल विद्यालय से। आप जानते हैं जो नैनसुख है, नैनसुख का संबंध कहाँ दिखाई देता है? तो जो नैनसुख है मित्रों वो पहाड़ी विद्यालय का संबंध दिखाई देता है। फर्स्ट साथ आंसर लगाओ, इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, पूछा जाएगा मसरूर शैली उत्कीर्ण एकाशम मंदिर कहाँ स्थित है? एकाशम मंदिर जम्मू में है, उदयगिरी में है, कांगड़ा में है, या फिर नासिक में है? एकाशम मंदिर की अगर बात होती है बहुत अच्छी जवाब बनेगा कांगड़ा शैली के साथ, 20 राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है? नाम दिया गया कुशाला नहीं है, फुत्तू नहीं है, पंडित सेऊ नहीं है, या फिर परखू नहीं है। कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है उसका नाम आपको बताना है, सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब पंडित सेऊ बनेगा, पंडित सेऊ मतलब, 20 राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 56 नंबर, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं? नाम दिया गया अर्की से, कांगड़ा से, गुलेर से, या फिर बसोली से। पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीनतम चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आप जानते हैं कि बसोली से प्राप्त होते हैं, तो सही जवाब बसोली बनाओ, डी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है बसोली के चित्र में किस वैष्णो देवी की प्रधानता दिखाई देती है? बसोहली शैली के चित्रों में किस वैष्णो देवता की प्रधानता दिखाई देती है? शिव है, कृष्ण है, राम है, या फिर इंद्र है? आप जानते हैं बसोहली शैली में जो सबसे प्रिय रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, तो सही जवाब शिव के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है बसोहली के चित्रों की विशेषता क्या है? नाम दिया गया रंगों की कोमलता है, अभिव्यक्ति का ठेठपन है, महीन रेखांकन है, या फिर सूक्ष्म विवरण दिखाई देता है? आपको बताना बसोहली की विशेषता क्या है, बसोहली की जो विशेषता दिखाई देती है अभिव्यक्ति का ठेठपन है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मित्रों कि बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार से बनाए गए? नाम दिया गया बेलबूटेदार बनाए गए, अनेक रंगों की रेखाओं द्वारा बनाए गए, गहरे लाल रंगों में पीले रंगों की पट्टियों के द्वारा बनाए गए, या फिर ज्यामितीय आलेखन द्वारा बनाए गए। बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए? तो बसोहली शैली के जो हाशिए हैं मित्रों वो गहरे लाल रंग से पीले रंग की पट्टियों द्वारा बनाए गए, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्राचीन काष्ट उरेहड़ा चित्र किस जो है पहाड़ी राज्य में प्राप्त हुआ? नाम दिया गया बसोहली में प्राप्त हुआ, चंबा में प्राप्त हुआ, कुल्लू में प्राप्त हुआ, या फिर नूरपुर में प्राप्त हुआ? प्राचीन काष्ट उरेहड़ा चित्र पूछा जा रहा है मित्रों कहां से दिखाई देता है? सही जवाब चंबा बनता है। क्या बनता है? चंबा, यानी सी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है चंबा की प्राचीन राजधानी भारमौल के राजमहल के कपाटों पे किस राजा का काष्ट उरेहरण चित्र जो है उभारी गई है? नाम दिया गया गणेश वर्मन है, छतर सिंह है, प्रताप सिंह वर्मन है, या फिर पृथ्वी सिंह है? आपको बताना है काष्ट उरेहरण चित्र की छवि कहाँ उभारी गई है, तो सही जवाब बनता है कि पृथ्वी सिंह के यहाँ उभारी गई। सही जवाब डी के साथ पृथ्वी सिंह का लगाना, कि पृथ्वी सिंह का जो है
चित्र दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय हुआ, राजा मानसिंह के समय, राजा विक्रम सिंह के समय, राजा गोवर्धन सिंह के समय या फिर राजा दिलीप सिंह के समय। गुलेर शैली का जो विकास पूछा जाता है मित्रों वो सही जवाब बनता है गोवर्धन सिंह के समय, तो बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है कांगड़ा के चित्रकला का विकास किस राजा के समय हुआ, नाम दिया गया घमनचंद, रणवीर सिंह, संसार चंद्र या फिर अनिरुद्ध सिंह। आप जानते हैं कांगड़ा का चित्रकला जो है वो विकसित कब होता है, तो वो सही जवाब बनता है संसार चंद्र के समय, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर कह रहा है कांगड़ा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या है, नाम दिया गया विरोधी रंग है, सपाट रेखांकन है, संगत शीतल रंग है या फिर गहरे रंग है। कांगड़ा शैली की जो विशेषताएं बताई जाती हैं वो संगत शीतल रंग है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का है, नाम दिया गया आलंकारिक है, कठपुतली जैसा है, खिलौने जैसा है या फिर यथार्थ है। कांगड़ा शैली में जो पशु पक्षी बनाए गए हैं वो आपको याद रखना होगा यथार्थ रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया, तो सही जवाब डी के साथ बनाना, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 66 नंबर पे आ जाओ, पूछा जा रहा है कि कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर के राजमहल में किस राजा का भित्ति चित्र बनवाया, नाम दिया गया मानसिंह ने बनवाया, जय सिंह ने बनवाया, भगत सिंह ने बनवाया, जगत सिंह ने बनवाया या फिर प्रीतम सिंह ने बनवाया। सुल्तानपुर के राजमहल में किसने जो है बढ़िया से बनवाया, तो सही जवाब प्रीतम सिंह बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास हुआ, नाम दिया गया सिद्धसेन का हुआ, बलवीर सिंह का हुआ, ईश्वरी सेन का हुआ या फिर जालिम सेन का हुआ। मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का जो विकास होता है कहाँ दिखाई देता है, तो सही जवाब ईश्वरी सेन के समय दिखाई देता है, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है बसोहली की चित्रशैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित है, नाम दिया गया अर्का में है, कुल्लू में है, नूरपुर में है या फिर मंडी में। बसोहली के चित्रशैली है हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में ज्यादा प्रचलित है, तो सही जवाब बनता है कुल्लू, डी इज द राइट, सी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 78 नंबर क्या कहा गया है, ये 78 है बसोहली शैली के चित्र हिमाचल प्रदेश, हाँ कुल्लू, सही जवाब सी के साथ है, सी के साथ है, सी साथ है ना, हाँ सी। 67 नहीं हुआ, मैं लगा मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास हुआ, सिद्धसेन, बलवीर सिंह, ईश्वरी सेन और जालिम सिंह का नाम दिया गया, सही जवाब क्या बनता है, तो यहाँ सही जवाब ईश्वरी सेन बनता है, याद रखना, जबकि 68 का आप जानते हैं कुल्लू होता है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मंडी के किस राजा ने जालपा और टेरेना में काली के मंदिरों का भित्ति चित्रण बनवाया, जालपा और टेरेना में काली के मंदिरों का भित्ति चित्रण जालिम सिंह ने बनवाया, ईश्वरी सिंह ने बनवाया, सिद्धसेन ने बनवाया फिर बलबीर सिंह ने बनवाया। आपको याद कर लेना है इसमें, सही जवाब जो बनेगा जालिम सिंह बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपसे पूछ रहा है गढ़वाल में सर्वाधिक किस चित्रकार ने चित्रकारी का कार्य प्रारंभ किया, नाम दिया गया हरदास ने किया, श्यामदास ने किया, ये भी दोनों ने किया या फिर इनमें से कोई नहीं। गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का कार्य किया, तो याद रखना उस चित्रकार का नाम क्या होता है, हरदास और श्यामदास, तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अंतिम क्वेश्चन आपके स्टैंड पे, पूछ रहा है पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई, नाम दिया गया कर्नाटक में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर हिमाचल प्रदेश में। आप जानते हैं पहाड़ी चित्रकला कहाँ पे विकसित हुई, तो हिमाचल प्रदेश की जो है बेल्ट में हुआ है, तो सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर अब आप बताओ ओवरऑल आपका स्कोर क्या रहा, हमें उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।